तो हेलो फ्रेंड, आज आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूल इंजेक्टर के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये है BS6 का फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, जो गैस वाला आता है वो। ठीक है, गैस का फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, तो आप इसके बारे में मैं पहले तो बता देता हूँ कि ये, ठीक है, दो नोजल में और यहाँ पिन सभी जगह लगता है। ठीक है, और ये मेड इन इटालियन का बनावट है। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है मेड इन इटालियन, और यहाँ कोड नंबर कुछ दिया। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ कोड नंबर और यहाँ इटालियन के नाम और QR और सब कुछ दिया है। ठीक है, ये देख सकते हो। और यार, एक गाड़ी के अंदर बिगड़ गया था, तो हमने शोरूम जाके रिप्लेस किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो, पहला तो ये यहाँ इसका नाम और सब लिखेला है। ठीक है, देख सकते हो कि मैट्रिक्स HSM कुछ ऐसा Classic 2 लिखेला है। ठीक है, और ये कितने का होगा पता है आपको? 2400 रुपये का ये सेंसर है। ठीक है, ठीक है, जो ये इंजेक्टर है वो 2400 रुपये का है। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, हम इसको खोलने वाले। ठीक है, मैंने तो खोल के इसके अंदर देखा क्या है, पर आप लोगों को दिखाना पड़ेगा इसको, ये 2400 की चीज़ है, इसके अंदर क्या आता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो ये ठीक है, इसको खोलते हैं। और ये इसके यूनिट के स्टूल लगने वाला है। ठीक है, ये ऐसा कुछ लगने वाला है स्टूल। ठीक है, देख सकते हो कि ये लगेगा ऐसा। आप सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर क्या आता है। आप देख सकते हो कि ये नोजल का पूरा सीधा वॉल ही है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से आप सामने देख सकते हो, यहाँ से फ्लो आता है। ठीक है, यहाँ लिखेला देखो, ये ऐसे फ्लो होता है, तो ये यहाँ से गैस अंदर आता है। ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर ये इसका मैकेनिज्म, ठीक है, आप देख सकते हो। और इसका ये सीधा सा वॉल, ये नोजल का आप देख रहे हो, ये सीधा सीधा ही वॉल है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ कुछ स्प्रिंग जैसा दिया। ठीक है, यहाँ पे, और ये दो प्लेट है। ठीक है, ये रबर वाली लगे ली है, और ये ऐसे ही। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ ये मैग्नेट की तरह काम करता होगा, जो अपने वो ओल्ड मॉडल के अंदर जो गैस के अंदर लगती है वही तरह। ठीक है, इतना ही था इसके अंदर। ठीक है,